सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कोप्शनर की मृत्यु हो गई हो, हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में यह कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ हो तो क्या ये कानून ऐसी फैमिली पर भी लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ये फैसला किया कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर ही अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्तियों में बेटियों के बराबर हिस्सा देने की बात की गई थी। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है, शादी से इसका कोई लेना देना नहीं। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, एक पिता के द्वारा खरीदी गई, दूसरी पैतृक संपत्ति होती है जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के अनुसार बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी इस मामले में वो किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर क्या है कानून? अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिता ने प्लॉट या फिर घर अपने पैसों से खरीदा है, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है, बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती। पिता की मृत्यु होने पर क्या होगा? अगर पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हो गई है तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर हक होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।